पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के आरएसएस की तुलना पीएफआई से करने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि पटना के एसएसपी का राष्ट्रवादी संगठन की तुलना एक आतंकवादी संगठन से करना उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वे माफी मांगे, नहीं तो सरकार ऐसे लोगों को बर्खास्त करे। साथ ही एसएसपी की मानसिक जांच कराने की भी मांग की। उसने आतंकवादी संगठन से की है, एक राष्ट्रवादी संगठन जो देश प्रेम सिखाता है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करता है, उसको आप एक आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। वो माफी मांगे, नहीं तो सरकार ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करे। गजबा हिंद करने वाला, सरतन से जुदा करने वाला की तुलना एक राष्ट्रवादी संगठन से करना बहुत बड़ा अपराध है। इनको मानसिक जांच कराया जाए और इनको बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। अभी एसएसपी वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संस्था है और पीएफआई से उसकी तुलना करना गलत है। एसएसपी का बयान जिसमें उन्होंने आरएसएस के कार्यों की तुलना पीएफआई की ट्रेनिंग से की है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारना भर्सना योग्य है और मैं इसकी बहुत भर्सना करता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के एसएसपी हैं। आरएसएस एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए आतंकवाद की लड़ाई में संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन होम किया है। ऐसे संगठन के कार्य की तुलना एक नॉन आतंकवादी संगठन पीएफआई से करना, जो देश को तोड़ने में लगा है, क्या मतलब है इसका? मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमें इस जानकर संतोष मिला है कि पुलिस महकमे के बड़े पदाधिकारियों ने उनको नोटिस किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई की। पटना में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों और उनकी गतिविधियों की तुलना आरएसएस से करके एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने नए विवाद को जन्म दे दिया। पटना एसएसपी ने कहा कि जैसे आरएसएस की शाखा में स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार पीएफआई पटना में अपने लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दे रहा था, जिसमें मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी शामिल है। मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का।